get the leader of the house. No, no. Leader of the house. If you नहीं, ये देखो साहब, मैं अब बात कर रहा हूँ. ये क्या है अभी? मैं I never yielded. खड़गे जी, देखिए, जनता द्वारा प्लीज चुनी गई सरकार. एक कहावत है दादा, आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो. बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं. ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है. अब सच्चाई तो ये है, माननीय सभापति जी, सच्चाई ये है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई. एक एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई. ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और बैठिए, तमिलनाडु में है, बैठिए. मारन जी को दर्द हो रहा है. मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली. और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली. अरे माननीय सभापति जी, जिस पार्टी की बुनियाद ही संविधान की हत्या से, रिश्ते खून से बनी हो, वह पार्टी आज संविधान बचाने की बात करे तो गले नहीं उतरती है. ये तो वही बात हो गई कि अपने घर में नकली फूल रखने वाले बगीचों का शौक होने की बात कर रहे हैं. रेस्पर्शन ऑन द चेयर दैट अगले 3 साल आप सच्चाई का साथ देंगे. This is a very serious allegation. This cannot be taken lightly. If the sentence spoken by the LOP is this, that अगले 3.5 साल आप सच्चाई का साथ देंगे, this automatically means that there is an aspersion that for the last 1.5 years you have been not giving due to the righteousness. Number two. इसलिए चेयरमैन साहब, आई रिस्पेक्ट दी एलओपी, आई रिस्पेक्ट दी ऑपोजिशन, बट एट द सेम टाइम प्लीज कीप क्वाइट. आई हैव बीन गिवन द टाइम बाय द चेयरमैन. आई थिंक यू आर ए न्यू मेंबर. विकास भट्टाचार्य जी, आई हैव गिवन हिम द फ्लोर. सिट डाउन सर. सर सिट डाउन सर. सर सर प्लीज leader of the house, please continue. Sir, I respect the leader of opposition. I respect the opposition. But I would like to put on record that proving your point should not go beyond the norms of the house, and raising aspersion on the chairman cannot be agreed upon. ठीक है सर, मैं सर किसी का मान करने के लिए इस सदन में नहीं आया. अगर ये उचकाने की बात करते हैं तो मैं उसको मानूंगा. खड़गे जी, अगर कोई अगर ऐसी बात आई है, एक सेकंड विद अ हैवी हार्ट, नो विद अ हैवी हार्ट एंड in deep pain, I have been suffering accusations of severity wholly unfounded. A member of this house, Sri Jairam Ramesh, called me a cheerleader. Can you imagine pending? When Khadgeji, honorable members, mark my words, when Khadgeji said so, I said, from me? I was aghast, but I didn't want to break his flow. Sir, I am taking cognizance of it.
for a very simple reason, that I find on several occasions we have created, I would say, shameful history. If I invite leader of the opposition to my chamber, sir, you declined. If I write to you, you did not spare time for 4 months. Okay. But continue with your address, sir. I have taken cognizance of it. What you say? Continue. Okay. अगर इससे आपको हर्ट हुआ या कुछ मेरी गलती हो गई तो ठीक है. Honorable members. I regret for. Honorable members, we give quietus to it. The communication from the leader of opposition has touched my heart. We give quietus to it forever. We will not discuss it. Please, go ahead, sir. It's a good gesture, a gesture from a leader. क्या नड्डा साहब कब आए आपको ध्यान में?